मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। हाँ तो गाइज, आज हम एडिट करने वाले हैं रामनवमी पे कुछ इस तरह का EFX वीडियो। आपने प्रीव्यू तो देख लिया, आपको कैसा लगा? आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इस वीडियो में हमने बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट ग्राफ और की फ्रेम यूज किया है, यदि आप वीडियो को सही से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए राम का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जय श्री राम। हाँ तो गाइज, अभी हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको यहाँ पे वीडियो क्लिप को फाइंड करना है। और अब इसे कैसे फाइंड करेंगे, इसको फाइंड करने के लिए आपको कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो क्लिप मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। अब कैपकट कहाँ मिलेगा भाई? कैपकट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए भाई। अब इसके बाद आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको अपना वीडियो क्लिप ऐड कर लेना है। चलिए हम यहाँ से वीडियो क्लिप अपना ऐड कर लेते हैं। गाइस, यहाँ पे हमारे वीडियो क्लिप ऐड हो चुके हैं। अब इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक को ऐड करना है। म्यूजिक को ऐड करने के लिए सिंपली आपको ऐड ऑडियो के ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से साउंड पे क्लिक करके अपना म्यूजिक ऐड कर लेना है। चलिए हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो म्यूजिक है ऐड हो चुका है, इसको स्टार्टिंग में लाएंगे इस तरह से। और आपको नीचे यहाँ पर फ्रेम रेशियो मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपको 16:9 का फ्रेम रेशियो चूज कर लेना है एंड यहाँ से डन करना है। अब देखिए क्या करना है। अब इसके बाद आपने जो वीडियो ऐड किया उसके साउंड को यहाँ से म्यूट करेंगे जल्दी से। हमने यहाँ पर दो वीडियो ऐड किया, दोनों का जो साउंड है म्यूट कर लेंगे। लास्ट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा भाई? कलुआ है? हाँ भाई, इसको यहाँ पे डिलीट कर देंगे। ये देखिए हो गया। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे म्यूजिक में बीट को ऐड करना है। तो उसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको स्टार्टिंग में आना है, ठीक है? इस तरह से स्टार्टिंग में आएंगे और आपने जो म्यूजिक ऐड किया है इसके लेयर पे क्लिक करेंगे और नीचे आपको यहाँ पे देखिए बीट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ पे आपका बीट रहेगा सिंपली आपको ऐड बीट कर लेना है, ठीक है? मैं आपको वीडियो का ड्यूरेशन कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, उसे देख के आप वीडियो को एडजस्ट कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पे जल्दी से बीट को ऐड कर लेते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा बीट ऐड हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से बीट को ऐड किया है। इसके बाद यहाँ से डन कर लेंगे। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आएंगे। अब इसके बाद आपने जो वीडियो ऐड किया इसमें जितने भी बेस्ट वाले पार्ट होंगे उनको आपको रखना है और जो वेस्ट पार्ट होंगे उनको आपको डिलीट कर देना है। चलिए हम यहाँ पे इसको जल्दी से वीडियो को एडजस्ट कर लेते हैं। आपको बीट के हिसाब से वीडियो को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे जल्दी से पहले कट करेंगे, उसके बाद इसको बीट से एडजस्ट कर लेंगे। ओके, हाँ तो गाइस यहाँ पे हमने वीडियो का एडजस्टमेंट कर लिया है, उसको बीट से भी सेट कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, अब इसके बाद आपको फर्स्ट में 10 वीडियो पे एनिमेशन अप्लाई करना है कॉम्बो वाला। चलिए उसको अप्लाई करते हैं। फर्स्ट वीडियो पे क्लिक करेंगे, एनिमेशन पे आएंगे, इसके बाद कॉम्बो में आ जाएंगे और यहाँ फर्स्ट वाले पे स्लाइड एंड वेव, सेकंड वाले पे आपको अप्लाई करना है वेव एंड स्लाइड, एंड इसके बाद थर्ड वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डिस्टोर्ट एंड स्ट्रेच, उसके बाद फोर्थ वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको स्ट्रेच एंड डिस्टोर्ट, एंड फिर से आपको फाइव वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पे स्लाइड एंड वेव, एंड इसके बाद सिक्स वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वेव स्लाइड, ठीक है? एंड सेवन वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ये वाला। एंड इसके बाद आपको यहाँ पे आठवें क्लिप पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है Yo-Yo 1 अप्लाई करना है, ठीक है? आठवें, एंड इसके बाद 9 वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाउंस अप्लाई करेंगे, बाउंस। एंड इसके
इसके बाद 10वें क्लिप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है Zoom 1, ठीक है। ये हमारा एनिमेशन अप्लाई हो चुका, तो यहाँ पे हमारे 10 वीडियो पे एनिमेशन लग चुका है। अब इसके बाद आगे जितने भी आपके वीडियो में सेम एनिमेशन अप्लाई करना है, जैसे कि 11वें वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके बाद एनिमेशन पे जाएंगे और आपको यहाँ पे इन एनिमेशन में आना है। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है स्विंग बॉडी, ठीक है, इस तरह से अप्लाई करेंगे और इसका जो ड्यूरेशन है 0.2 सेकंड करेंगे इस तरह से। एंड इसके बाद आउट में आएंगे और यहाँ पे आपको अप्लाई करना है फेड आउट, एंड इसका ड्यूरेशन आपको रखना है 0.1 सेकंड एंड इसका 0.2 सेकंड स्विंग बॉटम का। एंड यही जो एनिमेशन है सभी वीडियो क्लिप पे अप्लाई करना होगा। तो चलिए यहाँ पे जल्दी से हम इसको कर लेते हैं। हाँ तो गाइज यहाँ पे हमारे सभी वीडियो पे एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आने के बाद आपको 10 वीडियो के बाद 11वें वीडियो पे आना है, ठीक है, इस तरह से। एंड आपको यहाँ पे की फ्रेम ऐड करना है, ठीक है। फर्स्ट में ऐसे क्लिक करेंगे इस तरह से और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करेंगे, इसके बाद लास्ट में की फ्रेम ऐड करेंगे इस तरह से क्लिक करके। एंड इसके बाद वीडियो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे इस तरह से, ठीक है, फटाफट इसको कर लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे सभी वीडियो पे की फ्रेम लग चुका है। इसके बाद आपने जहाँ से की फ्रेम लगाना स्टार्ट किया था वहाँ पे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने लगाया। एंड अब इसके बाद इस पे आने के बाद आपको नीचे ग्राफ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे। एंड इसके बाद कस्टम पे जाएंगे और क्लिक करेंगे, ठीक है। एंड इसको इस तरह से कोने में पकड़ के ले जाएंगे, इस तरह का ग्राफ बनाएंगे और यहाँ से ओके, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले क्लिक करेंगे और कस्टम पे जाएंगे, एडिट करेंगे और इस तरह से ग्राफ बना लेना है, ठीक है, फटाफट इसको सभी वीडियो में कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे हमारे सभी वीडियो में ग्राफ ऐड हो चुका है। इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे, जहाँ से आपने ग्राफ ऐड करना स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने ग्राफ ऐड करना स्टार्ट किया था। अब इसके बाद इसके स्टार्टिंग में आएंगे इस वाले वीडियो क्लिप के और यहाँ पे आपको इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है। इफेक्ट को ऐड करने के लिए सिंपली आपको नीचे यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आपको सबसे पहले ऐड करना है रीबाउंड स्विंग, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ट्रेंडिंग में मिल जाएगा आपको, इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे, डन। अब इसके बाद आपको एडजस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसका जो इंटेंसिटी है 10 के ऊपर रखेंगे, ठीक है, 10 या 12 कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके, इसके बाद इसका लेयर छोटा करेंगे, ओके, इस तरह से छोटा कर लेंगे। एंड इसको कॉपी करेंगे और सभी वीडियो पे लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से देखिए, और बीट्स इसको एडजस्ट करते जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे हमारे सभी वीडियो पे रीबाउंड स्विंग वाला इफेक्ट लग चुका है। इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे अब इसके बाद ऐड करना है शेक, ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए स्टार्टिंग में आएंगे इस तरह से। एंड इफेक्ट पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रेंडिंग में शेक, या फिर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर आ जाइए नाइट क्लब में, इसमें आपको शेक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे और एडजस्ट पर क्लिक करके इसका इंटेंसिटी कम कर देंगे, स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ से डन, इसके बाद इसका जो लेयर छोटा करेंगे और जो आपने रीबाउंड स्विंग लगाया है उसका हाफ कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से, और इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा शेक वाला जो इफेक्ट है लग चुका है। इसके बाद फिर से स्टार्टिंग में आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक इफेक्ट और ऐड करेंगे, ठीक है, इस तरह से स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है स्लैंटेड ब्लर, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओपनिंग एंड क्लोजिंग में, ठीक है। देखिए यहाँ पर स्लैंटेड ब्लर है, अप्लाई करेंगे, एडजस्ट पे क्लिक करेंगे और इसका जो ब्लर वाला रेडियस थोड़ा सा कम करेंगे और इसका जो लेयर छोटा करेंगे, एकदम छोटा, ठीक है, एकदम छोटा कर लेंगे इस तरह से। एंड इसको कॉपी करके जहाँ जहाँ पे अपने शेक लगाया है, रीबाउंड स्विंग लगाया है, वहाँ पे अप्लाई कर लेंगे।
अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में आ जाना फिर से, एंड आपने जो शेक वाला इफेक्ट ऐड किया है इसको कॉपी कर लेंगे इस तरह से, और आपके जो 10 वीडियो है फर्स्ट में इस पे लगा देंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो शेक वाला इफेक्ट है लग चुका है, इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएंगे एंड आपको यहाँ पे ओवरले पे क्लिक करना है, ऐड ओवरले करना है, और यहाँ पर ये देखिए ये वाला ऐड कर लेंगे एंड इसको छोटा करेंगे इस तरह से और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इसका लेयर जो है इसको बढ़ा देंगे इस तरह से। अब स्टार्टिंग में आएंगे और आपको एक बार फिर से इफेक्ट पे क्लिक करना होगा, वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसके बाद आपको आना है डिस्टोर्शन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर मिल जाएगा डिस्टोर्शन, और इसमें से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए हम यहाँ पर डिस्टोर्टेड अप्लाई कर लेते हैं इस तरह से, और यहाँ से ओके। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओवरले करके ओके कर देंगे। ठीक है, एंड इसका जो लेयर है बढ़ा देंगे, थोड़ा नीचे करेंगे एंड इस तरह से इसको बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा वीडियो है कंप्लीट बन चुका है। चलिए हम यहाँ से वीडियो को प्ले कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा वीडियो एकदम अवेसम लग रहा है, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड इसे शेयर करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना और आपका वीडियो शेयर हो जाएगा।